National Institute of Proficiency Reading with Understanding पार्टी को इसमें एक समरी इसका आपको बता रहे हैं इसमें बेसिकली होना क्या है और विभाग ने इसको जो डिजाइन किया है तो उसके सामने क्या अपेक्षाएं हैं हमसे आपसे भाषा और गणित का चार दिवसीय प्रशिक्षण में हमें भाषा के बारे में सीखना है और गणित के बारे में सीखना है जैसा कि इसके फुल फॉर्म से ही बात स्पष्ट है कि प्रोफिशिएंसी चाहिए तो प्रवीणता होनी चाहिए बच्चे की वो दक्षताएं उसके अंदर आ जाए कौन सी दक्षताएं आ जाए रीडिंग की और एक शर्त के साथ में रीडिंग है कौन सी शर्त है समझ के साथ रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग की बात कही गई और न्यूमेरेसी की बात कही गई मतलब संख्यात्मकता संख्याओं का ज्ञान गणित की जानकारी जो भी उसका स्तर है अगर वो स्तर एक है या दो है या तीन है तो ग्रेजुएटली वो बदल रहा होता है तो उस स्तर तक की जानकारी उस बच्चे को आ जानी चाहिए और इससे इसके बारे में पहले से डिफाइन कर दिया गया कब तक हमें प्राप्त करना है 26-27 तो संशोधन भी हुआ है पहले 25-26 नहीं था अब 25-26 निपुण लक्ष्य पीछे वाले आगे आ जाइए निपुण भारत लक्ष्य एक है जिसमें यह मेंशन किया गया है कि 46-47 जो निपुण लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश ने जो उसको बनाया है और उसको क्या है मेजरेबल बना दिया है मतलब मापन योग्य उसको बना दिया है उस मापन योग्य लक्ष्य में आपने देखा होगा यहाँ पर देखिए प्रकाश कहीं लगा नहीं है लेकिन हम सबको पता है कि उसमें जी अच्छा उसमें यह बताया गया कि इतने परसेंट प्रश्नों को उत्तर देंगे इतने शब्द प्रतिग्रह की परवाह से पढ़ लिया तो ये उस चीज को मेजरेबल बनाया गया है इसी तरह भाषा में भी गणित में ही अगर कोई अनुच्छेद भाषा पढ़ा है तो उसको समझ के इतने परसेंट प्रश्न उत्तर दे दे गणित में है तो गणित में इतने प्रश्न को उत्तर दे सके ये सारी चीजों को मापन योग बना दिया गया है इसको हमें समझने की जरूरत है आप इसमें महसूस करेंगे कि कुछ सारी चीजें ऐसी होंगी जिनका आप महसूस करेंगे रिपीटेशन हो रहा है संभवतः आपने किसी ट्रेनिंग में ये सुना हो या किसी ट्रेनिंग में ये बातें बताई जा चुकी है निश्चित रूप से ऐसा हो सकता है कंटेंट अगर हम आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब कुछ नया होगा एक भी शब्द या कुछ भी उसका मतलब जो